गर्दी के स्वरूप समय का। आज आप कहाँ पहुँचे, आगे क्या कार्यक्रम? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज टोहाना पहुंचने पर और टोहाना से पहुंचने से पहले भी पूरे हरियाणा में जो टोहाना से खबर आ रही है और टोहाना पहुंचने का जोश लोगों का देखने को मिला, छत्तीस बिरादरी जिस तरीके से हर वर्ग का जो उत्साह देखने को मिला, स्पष्ट रूप से सरदार परमवीर सिंह जी ऐतिहासिक बढ़त से जीतने जा रहे हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र से। ये सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। अब ये केवल ये प्रश्न चिन्ह बचता है कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जीत और नतीजे में कोई संशय नहीं है, कांग्रेस जीत चुकी है, सरदार परमवीर सिंह जी जीत चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा मार्जिन होगा उतनी मैं समझता हूँ कि परमवीर जी को मैं समझता हूँ ऊंचाइयों पे लेके जाने का काम करेगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताएं, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ टोहाना विधानसभा क्षेत्र के काम करें, इसीलिए लोग अब रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताने की बात करें। और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बीच में आज हमारे जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता सरदार रणधीर सिंह जी का भी हम बहुत बहुत उनका भी इस बात के लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि परमवीर जी के चुनाव को आगे लेके जाने के लिए जिस तरीके से रणधीर सिंह जी ने जो हर बात बारीकी से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये आज योगदान रणधीर जी का रहा है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना है, तो हम रणधीर जी का भी बहुत बहुत इस अवसर पे आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में चारों तरफ अलग अलग ज़िलों में कल पिछले चार पाँच दिन से मेरे को जाने का अवसर मिला है। कल जैसे मैं अम्बाला में था सुबह, जहाँ अम्बाला सिटी में सरदार हिम्मत सिंह जी ने और जसबीर मल्लोर ने अपने नामांकन वापस लिए निर्मल सिंह जी के पक्ष में। अम्बाला में ये रिपोर्ट आ रही है कि अम्बाला की नौ सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। इसी तरीके से उसके बाद मैं कल हिसार आया, हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपना नामांकन वापस लिया हमारे प्रत्याशी नलवा से अनिल मान जी के पक्ष में। हासी में सुमन शर्मा जी ने और प्रेम सिंह मलिक जी ने अपना नामांकन वापस लिया हमारे प्रत्याशी राहुल मक्कड़, हमारे राहुल मक्कड़ प्रत्याशी के पक्ष में। तो वहाँ भी हिसार से भी आप रिपोर्ट लेना, हिसार से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि हिसार में भी लगभग सारी सीटें एक आधी। तो मैं अभी आ रहा हूँ अभी पहले मुद्दे, और इसी तरीके से टोहाना के साथ साथ पूरे फतेहाबाद ज़िले की तीनों सीटों का आप रिपोर्ट ले सकते हैं। और अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, सिरसा की नौ सीटें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की नौ सीटें, धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की जो है मैं समझता हूँ कि तरफ बढ़ रही हैं। आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि सिरसा में एक आधी सीट पे जहाँ पे INLD के साथ मुकाबला था, लेकिन INLD का सच सामने आ गया, अभय सिंह जी का सच सामने आ गया। ये हम पहले ही कहते थे कि ये वोट काटू पार्टियां बन गई हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की पार्टी हो, कोई फर्क नहीं है। जिसका पिछली बार 10 नंबर इनका 10 संख्या आ गई तो BJP को समर्थन दे दिया, उनकी आती तो वो दे देते, और इस बार भी भाजपा से तालमेल करके ये BJP की बी टीम बनकर हरियाणा की जनता को धोखा देने का प्लान और साजिश तैयार की गई है। सिरसा की रैली में आपको याद होगा, तभी मैंने कह दिया था कि समझौता हो गया, समझौता तोड़ने का, सिरसा की रैली में कहा था मैंने दिसंबर में, और वही चीज़ साबित हुई।
जेजेपी को लेकर और आईएनएलडी को लेकर भी मैं कहना चाहता हूँ, इनका समझौता है, आईएनएलडी का पक्का समझौता है और इतना पक्का समझौता है कि बीजेपी को कहने की भी जरूरत नहीं होती। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी चुनाव आगे कराएं तो दो घंटे के बाद इनके कार्यालय से चिट्ठी आई थी आगे कराओ। बीजेपी कहती है चुनाव पीछे कराओ तो दो घंटे बाद आईएनएलडी के कार्यालय से चिट्ठी आई थी पीछे कराओ। और मिलजुल कर सिरसा में आईएनएलडी गोपाल कांडा और बीजेपी ने मिलजुल के एक रणनीति तैयार कर ली कि भाई कैसे वोट काटी जाए और किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए, ये मिलजुल के एक रणनीति तैयार की गई है। ये लोगों को इसका पता चल गया और इसीलिए सिरसा में आप देखना क्या सिरसा सिरसा में बीजेपी सरेंडर कर चुकी है, जो उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। देखिए वो सरेंडर ये और भी गहरी साजिश है अंकल, केवल सरेंडर की बात नहीं है, सरेंडर तो उनको पता है। बीजेपी तो तभी सरेंडर हो गई थी जब इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। 10 साल जो सेनापति रहे थे, जब युद्ध का समय आया तो उनका कहा कि भाई इनके चेहरे पर लड़ेंगे तो यानी कि 10 साल भट्टा बैठ गया हरियाणा का, पर भट्टा तो बैठ गया 10 साल, कम नहीं होता। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, चुनाव की तारीख बदली और चुनाव की तारीख दूसरी बार भी बदल ली, लेकिन बीजेपी के कष्ट कम नहीं हुए ये सब बदला बदली से। बहुमत के साथ बनेगी, 10 साल हरियाणा का कितना नुकसान कर दिया इन्होंने। आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक हरियाणा, आज नशे में देश में नंबर एक हरियाणा और आज अपराध दर में देश में नंबर एक हरियाणा, ये 3 आंकड़े तो इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार ने जारी किया इस साल। तीन का इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा जारी 3 रिपोर्ट कार्ड तो मैं बता दूं, बाकी फिर हम बताएंगे। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक, देश में हरियाणा नशे में नंबर एक और देश में हरियाणा क्राइम में नंबर एक। सर आपने ये तो इनका भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड है और जनता का रिपोर्ट कार्ड ये है। हर वर्ग को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पहचान पत्रों में, कागजों में। नौजवान को उलझा दिया सीटी में, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती ले आए। किसान को उलझा दिया 3 काले कानूनों और आंदोलन में 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। सरपंचों, कर्मचारियों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को 6 ओलंपिक विजेता मेडल विजेता बेटियों को मैं पूछना चाहता हूं क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। ओलंपिक में जब वो मेडल लेके आती थी तो उनके स्वागत में पूरी भारत सरकार, पूरी भाजपा के मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे पहुंच जाते थे, लेकिन जब वो धरने पे 6 महीने तक बैठी रही कि उनको न्याय मिले, उनको धरने पे उनकी बात सुनने कोई एक भी भाजपा का पदाधिकारी तक भी नहीं पहुंचा। FIR नहीं दर्ज करी सरकार ने, कितना बड़ा अन्याय। तो हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार ये साबित हुई है। विनेश फोगाट आपको पता है कि उन्होंने जो है, क्योंकि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, इस बात को देखते हुए वो प्रत्याशी भी हैं हमारी जुलाना विधानसभा क्षेत्र से। तो हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार साबित हुई है और हरियाणा का को विकास की पटरी से उतार कर बेरोजगारी, नशे, महंगाई में आगे लेके जाने वाली ये सरकार साबित हुई। इसलिए प्रदेश की रिपोर्ट ये है कि आज प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार हार रही है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आ रही है। और पुलिस के बराबर समान वेतन की मांग की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। और मैनिफेस्टो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, हुड्डा साहब और उदय भान जी, हमारे ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का और जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन हमारी बहन गीता भुक्कल जी, तो ये मैनिफेस्टो लॉन्च